सब लोग एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब अकाउंट में जिसका नाम है बहुजन यूट्यूबर और मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। तो साथियों आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो मुद्दा बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है, बहुजन महापुरुषों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको विदित जानकारी भी होगी कि बिरसा मुंडा जी की रांची में एक मूर्ति थी जहाँ पर उनका समाधि स्थल था, उनकी उस मूर्ति को तोड़ दिया गया। और उस मूर्ति को ही क्यों तोड़ा गया आखिर, मेरे कई सवाल हैं जो मैं एक एक करके पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आया हूँ आज करेरा बुद्ध विहार पर, तो भगवान बुद्ध के सबसे पहले दर्शन कर लिए जाएं और फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो साथियों सवाल यही है कि आखिर बिरसा मुंडा की ही मूर्ति क्यों तोड़ी गई, आखिर देश में सिर्फ बहुजन नेताओं की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है, बहुजन नेता हुए, बहुजन महापुरुष हुए, उन्हीं की मूर्तियों को क्यों क्षतिग्रस्त किया जाता है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, मानवर कांशीराम साहब हों या फिर बहुजन समाज के और भी कई सारे महापुरुष हैं। जब जब हमें खबर आती है सिर्फ खबर यही क्यों आती है कि फलाने शहर में और फलानी सिटी में या किसी प्रदेश में बहुजन महापुरुषों की मूर्ति को तोड़ दिया गया, कभी उनका सिर तोड़ दिया जाता है, कभी हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। और आज बहुजन महापुरुषों के जिस कारवा को बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के एक महापुरुष ने बढ़ाया, आज उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आखिर देश में कौन सी ताकतें हैं और देश में कौन सी वो मनवादी ताकतें मजबूत हो गई हैं कि जो बहुजन महापुरुषों से इतनी चिड़ी हुई हैं कि जब जब उन्हें मौका मिलता है, जब जब उन्हें समय मिलता है, वो उस समय का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, बहुजन महापुरुषों को बदनाम करते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं और कहीं ना कहीं देश में एक अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों आज मैं वीडियो के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ, आखिर देश में जो बहुजन महापुरुषों बहुजन नेताओं की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है, आखिर देश में स्वर्ण समाज के नेता भी तो हैं, स्वर्ण समाज के भी महापुरुष हुए, आखिर उन लोगों की मूर्ति क्यों नहीं तोड़ी जाती। इससे एक बात स्पष्ट और सटीक होती है कि तोड़ने वाले कौन हैं और आप भी बखूबी समझते हैं। और यदि आप समझदार हैं तो आप मेरी बात को मेरा इशारा समझ चुके होंगे कि ये देश किस ओर जा रहा है। तो साथियों आपको क्या लगता है कि देश में जो माहौल है उस माहौल को मतलब बहुजन महापुरुषों के खिलाफ माहौल कौन बना रहा है, आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, इस पर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से तमाम उन लोगों तक ये खबर पहुंचा सकूं कि बहुजन समाज पर अत्याचार बंद करो, बहुजन महापुरुषों पर अत्याचार बंद करो, बहुजन महापुरुषों की योगदान को दबाने की कोशिश बंद। पर ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ आज भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अर्जुन गौतम जी हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा, कोशिश करूँगा उनसे जानने की आखिर भीम आर्मी का रुख क्या है इन सब मुद्दों पर। साथ अर्जुन गौतम है, अर्जुन जी ये जो घटना हुई उस पर आप क्या कहोगे? पहले तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। साथियों इस तरह की जो भारत में घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, पहले तो इन घटनाओं की मैं निंदा करता हूं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह महापुरुष जो होते हैं वो सभी समाजों के होते हैं, किसी एक समाज से नहीं होते हैं। इन्होंने जैसे कि अभी जो रांची में बिरसा मुंडा जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, इनका इतिहास उठाकर देख लो तो आप सबसे पहले जो है इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, इनको जेल में डाल दिया गया था। आर्मी ऐसी घटनाओं की निंदा करती है और समय समय पर आंदोलन करेगी ऐसी घटनाओं को लेकर, हमेशा और हमेशा सक्रिय रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो में कमियां क्या रही कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टेड।